नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत सच बयां कर रही है। बहराइच के जिला अस्पताल में आवारा सांड अस्पताल के भीतर तक घुस आते हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यूपी के अस्पतालों की बात ही निराली है। जी हाँ, यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, और जितना बड़ा राज्य उतनी ही बड़ी लापरवाही। चौंकिए मत, बात ही कुछ ऐसी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रदेश के बहराइच जिले के जिला अस्पताल की है, जहाँ राउंड पर डॉक्टर आए ना आए, लेकिन आवारा सांड खूब नजर आते हैं। आप जरा खुद ही देख लीजिए कैसे ये सांड अस्पताल के अंदर वार्डों तक घुस आता है और खूब चहलकदमी करता हुआ हर मरीज को देखता फिरता है। इतना ही नहीं, ये सांड इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच जाता है। इस दौरान वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग सांड महाराज से बचते नजर आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल के मेन गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी सांड को नहीं रोक पाते हैं, वो भी महाराज के आगे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और जब सांड अस्पताल में एंटर कर जाता है, तब भी अस्पताल प्रशासन का कोई नुमाइंदा उसे भगाने का प्रयास नहीं करता। बता दें, जिला अस्पताल में लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां आवारा जानवरों की आवाजाही देखी गई है और ये आवारा जानवर कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। पिछले दिनों इन आवारा जानवरों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी, जिसके बाद अस्पताल के अंदर फैली तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में जिलाधिकारी को शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अस्पताल में सांड महाराज की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या अब सोए हुए प्रशासन की नींद खुलेगी या मरीज को उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया जाएगा। टीएनपी न्यूज के लिए बहराइच से अजय शर्मा की रिपोर्ट।